और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, ग्रेटर नोएडा में कार से कुत्ता घायल होने पर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया, जमकर फायरिंग हुई, चार लोग घायल हो गए हैं, दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, पत्थरबाजी हुई है, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, सभी की नाजुक स्थिति बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के ऊंची दनकौर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या ये पूरा मामला है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, बीती रात की ये घटना है, एक कार सवार युवक था, वो जा रहा था, उसी दौरान एक कुत्ते था उससे टकराया। उसी दौरान उसने, जो वहां खड़े लोग थे, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा वाहन तो धीमे, अगर आप चलाते तो हो सकता है ये हादसा ना होता। उसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लाठी डंडे पथराव हुआ और फायरिंग की भी यहाँ पर जो है जानकारी मिल रही है कि फायरिंग भी हुई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी लाठी डंडे से हुई, तो उसमें तकरीबन चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जिस तरह से जो हादसे लगातार स्पीड के कारण होते हैं, तो उनमें लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं कि लोग रात के समय में जो शराब का सेवन करने के बाद जो है वाहनों को तेज गति में चलाते हैं, उसके कारण जो है हादसे लगातार बढ़ते हैं। रविंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।